आजकल किसी भी मूवी में अगर लॉजिक ना हो तो उस मूवी को ट्रोलिंग का हिस्सा बनना पड़ता है, भले ही उस मूवी में बड़े स्टार्स हों या चाहे उस मूवी को बड़े बजट पर बनाया गया हो। इसका एक रिसेंट एग्जांपल है प्रभास की फिल्म आदि पुरुष। ऐसा शाहरुख और सलमान की मोस्ट अवेटेड मूवी करण अर्जुन 2 के साथ भी हो सकता है, और अगर ये चीज वो नहीं चाहते हैं तो इसका पूरा पूरा ध्यान रखना होगा। इस बार मूवी में काफी सारी नई चीजें लानी होंगी और पुरानी चीजों को करना होगा टाटा बाय बाय। सबसे पहले तो आज के जमाने में पुनर्जन्म वाला कंसेप्ट ही नहीं चलने वाला जो 90s के जमाने में चल गया था, जबकि कहानी में कोई साइंटिफिक लॉजिक ही नहीं था। इसीलिए इस बार की कहानी में फ्रिक्शंस के साथ साथ साइंस को भी लाना होगा और इस तरह से रिबर्थ की स्टोरी लानी होगी जो लॉजिकल हो। उसके बाद करण अर्जुन मूवी पूरे 3 घंटे की थी। आजकल की फिल्में 2 घंटे या 2.5 घंटे की रखी जाती हैं, जिसे एक आइडियल स्क्रीन सही माना जाता है, वरना लोग बोर हो जाते हैं। साथ ही दूसरे पार्ट में VFX और CGI का सही तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि इस कहानी को सिनेमैटिक बनाया जाएगा, ताकि मूवी में दिखाई गई स्टोरी उसके विजुअल के साथ मैच कर जाए, और कहानी में गानों से ज्यादा अगर कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाया जाए तो वो भी एक अच्छी बात होगी। साथ ही मूवी में सभी किरदारों पर बराबर फोकस करना होगा ताकि मूवी सिर्फ ओरिएंटेड ना बनी रहे। आजकल सुपर नेचुरल थीम काफी ट्रेंडी और पॉपुलर है, अब इस पर एक पूरा यूनिवर्सिटी बन रहा है। इसमें हमें स्त्री भेड़िया जैसी फिल्में दिखाई गई हैं। वैसे ही कुछ फिक्शन अगर करण अर्जुन 2 में किया जाए तो मजा ही आ जाएगा। ऑडियंस तो फुल ऑन एक्साइटेड हो जाएगी, क्योंकि शाहरुख खान और सलमान खान को वैम्पायर के रूप में देखना और उनके मरकर फिर से जिंदा होने वाली कहानी को कौन देखना पसंद नहीं करेगा। साथ ही आज तक ऐसी थीम पर कोई मूवी बनी ही नहीं, और हाल ही में जो टीवी सीरीज बनी थी वो कॉपी किए हुए कंटेंट की वजह से पूरी तरह फ्लॉप हो गई थी। खैर, आप इस मूवी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी और भी अपडेट्स पाने के लिए